अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ट्रैक हम करने लगे हैं स्टार्ट। आज वो दूसरे गेट की मेन वाले डोर की कीज नहीं मिली थी, तो हम बैक वाली गली में से आए हैं। सोसाइटी में मैं जाता हूँ डेली वॉक करने के लिए, तो उस सोसाइटी के बैक से एंटर होंगे। तो ये देखिए जी, ये सोसाइटी है जहाँ पे मैं ट्रैक लगाता होता हूँ। तो आज इस सोसाइटी की बैक से स्टार्ट करेंगे ट्रैक, आगे इसकी फ्रंट से करते होते हैं। तो आज इसकी बैक से एंटर होके तो फिर बैक से आज का ट्रैक करेंगे जी स्टार्ट। तो चलें। तो जी जा रहे हैं वापस घर, जा रहा हूँ। ट्रैक कंप्लीट हो गया है, तो मैंने आया तो दूसरे शॉर्ट रास्ते से था, लेकिन मैंने कहा वापस तो फिर लॉन्ग रूट लेके जाऊँगा। वो जो कि छोटा भाई जा रहा है, वो सामने नज़र आ रहा होगा तो मैं जाऊँगा लॉन्ग रूट लेके, क्योंकि इस वाली डोर की जो डोर ओपन है, तो इस वजह से फिर कह रहा था कि मैं जैसे चले जाता हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, आप जैसे चले जाओ, मैं दूसरे रास्ते से आ जाऊँगा। चल के काउंट करते हैं कि आज का कितना ट्रैक हुआ है। तो चले। हाँ जी, तो घर आ गया हूँ, अब चेक करते हैं कि आज का कितना ट्रैक हुआ है। एक सेकंड। Seconds. Distance 6.27 kilometers. Average pace 922 per kilometer. यहाँ पे 6.27 किलोमीटर, देखिए 6.27 किलोमीटर आज का ट्रैक है। 58 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया है। चलें जी, अब थोड़ा जूस वगैरह पीते हैं, कैलोरीज वगैरह गेन करते हैं, उसके बाद फिर सोना है। मैंने सोने के बाद फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं उठा था 3:15 बजे, तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ी है, नाश्ता वगैरह किया है। तो अब असर की नमाज़ पढ़ के हटाऊँ, अभी 6 बजे शाम के। तो अब मैं जा रहा हूँ पांडे के लिए, फूड बनानी है, तो उसके लिए चिकन और पंजे लेने थे, ठीक है। तो चलें जी, आपको लेके चलता हूँ, फिर लेते हैं, फिर आके आज बनाएंगे आपको। मैं अब बताऊँगा अभी आज इस वाले व्लॉग में कि मैं पांडे को कौन सी फूड देता हूँ, किस तरह बनाता हूँ और कैसे देता हूँ। तो चलें जी, चलते हैं बाइक पे, चलते हैं। पंजे तो मिले नहीं, चिकन वगैरह मैं लेने लगा हूँ अब। तो पंजे अब दूसरे बाज़ार चलते हैं। अब मैं इस वाली साइड पे आया था, मेन रोड पे इधर मिला नहीं, अब मैं अंदर जाता हूँ बाज़ार में, तो वहाँ से कोशिश करते हैं कि मिल जाएँ। तो अल्लाह करे मिल जाएँ, क्योंकि मैंने उसकी फूड बनानी है, उसकी फूड ख़त्म हो गई है। फाइनली घर आ गए हैं, चीज़ें सीधे मिल गई थी। चिकन तो पहली शॉप से मिल गया था, लेकिन जो पंजे थे ना, वो बड़ी मुश्किल से मिले हैं। वो छः एक बंदे से मिले हैं। वो मैं मतलब गया था, वो एक बंदे के पास इस तरह मतलब कर आके सारे पूरे किए हैं। तो अब मैं आया हूँ घर, तो ये आपको एक बंदे से मिलवाता हूँ। ये भागे इधर तो आओ ये है जी मेरा डाई हार्टेड फैन है, ये मेरा बंदा, ये बहुत अच्छा बच्चा है ये, वैसे ही मतलब रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा बच्चा है ये वाला। ऊपर मैं आ गया हूँ किचन में, नीचे वाले किचन में मम्मा काम कर रही थी, इसलिए फिर वहाँ पे तो वीडियो बननी नहीं थी,
तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ऊपर वाले किचन में चले जाता हूँ, वहाँ पे वीडियो बना लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इसकी फूड में मैं अब यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले तो ये है जी, चिकन लेना है आपने एक पाव, ठीक है, और आपने पंजे ले लेने हैं 15। मेरे थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि मुझे एक ही शॉप से मिले नहीं थे, वो फिर 6-6 करके इस तरह मैंने आपको बताया था, तो इस वजह से फिर मुझे लेने पड़े। नहीं तो आप 15 आप पंजे ले लें, ठीक है। उसके बाद पोटैटोस ले लें 4-5। उसके बाद आप चावल ले लें, नहीं तो अगर कनिया अवेलेबल हों तो ठीक है, बेस्ट है, अगर नहीं तो फिर चावल ले लें। अब इनको मैं इनको और इसको पानी में डाल के इनको बॉयल करूँगा, और इसकी जो यखनी जितना पानी रह जाएगा तो वो इसको रख लेंगे, और अब इन दोनों को भी बॉयल करते हैं। चलें जी, इसमें पहले चीज़ें डालो, सॉरी, इसके बाद जी पंजे डालते हैं, डालिए, अभी इसके अंदर पानी डालते हैं, इसके यहाँ पर रखते हैं, पानी डाल दिया इसके अंदर। अब इसका ढक्कन देते हैं इसके ऊपर, ये इसके ऊपर का ढक्कन दे दिए। अब इसको रखते हैं यहाँ पे, अब इन चीज़ों को डालते हैं। चलें जी, टैटोस और राइस इसके अंदर हो गए हैं, अब इनको बॉयल करने के लिए रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें तैयार हो गई हैं, चावल और जो थे पोटैटोस वो भी तैयार हो गए हैं। वो थोड़े से बॉयल वो ना उसके अंदर केचली से बाहर निकलाए थे क्योंकि मैं नीचे गया हुआ था नमाज़ पर निशा की, तो कोई नहीं, खैर डांट पड़नी है, कोई नहीं। इसके बाद जो था चिकन और जो पंजे थे वो भी बॉयल हो गए हैं, तो अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, ये जी बॉयल हो गए, अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। अब इसको निकालने लगा हूँ मैं, और इसको पहले ऐसे कर लेते हैं। चावल और पोटैटोस इसके अंदर आ गए हैं, अब इसके अंदर से पंजे निकालने हैं। अभी ये गर्म है तो इसलिए हम इसको पहले निकाल के ठंडे कर लेंगे, क्योंकि जो है जब हम इसको ग्राइंड करेंगे जग में डाल के, तो लेकिन उस टाइम क्योंकि गर्म होती है तो गर्म हो गए तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए पहले इसको हम ठंडा करेंगे, ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद फिर हम इसको जग में डाल के ना इसको क्या से कहते हैं जो भी कहते हैं, ये जी पंजे वगैरह मैंने रख दिए यहाँ पे ठंडे होने के लिए, चावल भी और साथ पोटैटोज मैंने काट काट के डाले थे छोटे, क्योंकि फिर वो बाद में छिलके उतारना बड़ा मुश्किल सा काम होता है, क्योंकि मैं इनको मिक्स करके ना इकट्ठे करके बॉईल करता होता हूँ। तो ये है ये जखनी इसकी, ये जखनी है, ये हम एंड पे तक जग में डाल के इसको इस जखनी को भी इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ठंडा होने देते हैं, ठंडा होके फिर हम चलते हैं नीचे, अब इसको नीचे लेके चलते हैं, वहाँ पर इसको फिर जग में ग्राइंड करेंगे जी। ये है जखनी, ये जो मैंने सारा मटीरियल था मिक्स करके अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको पहले पानी डालेंगे थोड़ा सा, फिर ये थोड़ी सी ये डालेंगे, फिर इसको इसमें अंदर ग्राइंड करके, तो फिर हम इसको टोटल सारे को मतलब करके एंड पे हम इसको फिर फ्रीज करके रख लेंगे, वो फिर जितनी जितनी थोड़ी थोड़ी आपने देनी होगी कैट को, ठीक है, उस तरह हम दे देंगे इसको। ये सीन है, ऐसे बनाता हूँ मैं तो जी ये देखिए जी, ये बन गई है, ग्राइंड वगैरह कर लिया है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये इस तरह की बन जाती है खीर टाइप, ठीक है। तो अब इसको पैकेट्स हैं मेरे पास, तो पैकेट्स में डाल के इसको फ्रीज कर लेंगे फ्रिज में, फ्रीज़र के अंदर। होपफुली आपको भी लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना अपने वालदेन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।